एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसराइल में इंसानों के एक रहस्यमय और अनजान पूर्वज के अवशेष मिले हैं। इंसान के विकास संबंधी विज्ञान के इतिहास की ये बड़ी खोज मानी जा रही है। हालांकि इसकी खोज से वैज्ञानिक और बायोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट हैरान है, क्योंकि इस पूर्वज के दांत लंबे थे और इसकी ठुड्डी नहीं थी, जबकि इंसानों के पूर्वजों के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए यह माना जा रहा है कि यह कोई समांतर पूर्वज था जो इसराइल और उसके आसपास विकसित होते रहे होंगे। दोस्तों, मध्य इसराइल के रामला शहर में इस पूर्वज के अवशेष 2010 में मिले थे, लेकिन इसका खुलासा अब किया गया है। इतने सालों से इसकी स्टडी हो रही थी। यह रामला शहर के नेशनल सीमेंट प्लांट के पास स्थित नेशहर रामला प्रीहिस्टोरिक साइट के पास जमीन में 26 फीट नीचे मिला है। इस अवशेष के साथ कुछ प्राचीन उपकरण भी मिले हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर जानवरों की हड्डियां, जिसमें घोड़े, हिरण और अरोक नाम के मवेशी की हड्डियां भी शामिल है। इसराइल स्टोर्टिज ने इस अवशेष का अध्ययन करने में 10 साल से ज्यादा का समय लग गया, उन्होंने कहा, क्योंकि ये हमें लगातार हैरान कर रहा था। जब भी आपको कोई जीवाश्म मिलता है तो उसे पहले साफ करना होता है, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, साथ ही दुनिया भर से सैंपल मंगाकर उसकी तुलना की जाती है, ताकि हम उस अवशेष के इतिहास को बारीकी से समझ सके। इसराइल हस्टोविट्स ने इतने अध्ययन के बाद यह पता चला कि नेसर रामला की हड्डियां हमें ये बताती है कि इंसानों का एक पूर्वज था और यह नए प्रकार का होमो है जो इंसानों के वंश वृक्ष का एक नया सदस्य है। इसके बारे में विज्ञान को पहले नहीं पता था। इसके अवशेष की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 1.20 लाख से 1.40 लाख साल पुराना है, यानी इतने सालों पहले ये जीव धरती पर विचरण करता रहा होगा। ये नया पूर्वज बहुत हद तक नी एंड रथल से मिलता जुलता है, खास तौर से उसके दांत और जबड़े। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि आधुनिक इंसानों की तरह इस नए होमो की खोपड़ी एकदम अलग थी, उसकी ठुड्डी नहीं थी, साथ ही इसके दांत बहुत लंबे थे। इसराइल हर्शकोविट्ज ने जब इस अवशेष के बाकी जीवाश्मों से मिलाया तो वे हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले वैज्ञानिक इतना परेशान उस अवशेषों को लेकर हुए थे जो 1.60 लाख पुराने हड्डियों को लेकर हुए थे जो ताबुन गुफाओं में मिले थे। ऐसा ही वाक्या जुटिया गुफा में 2.5 लाख साल पुराने और कैसम गुफाओं से मिले 4 लाख साल पुराने अवशेषों के साथ भी हुआ था। दोस्तों, इसराइल की टीम ने देखा कि ये नया होमो इसी समूह से मिलता जुलता है। इस इलाके में 4 से 10 लाख साल पहले इंसानों के पूर्वज रहते थे। हेब्रिव यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के आर्कियोलॉजिस्ट योजी जेडनर ने उनके साथियों ने इस नए अवशेष को नेसहर रामला में खोजा था। उसके साथ कुछ तीर और भालों के अवशेष भी मिले थे जो ये बताते हैं कि इनका आधुनिक इंसानों और नीएंडरथल मानव के साथ संबंध थे। इस खोज से यह पता चलता है दोस्तों कि लाखों साल पहले धरती पर इंसानों के पूर्वज के दो समूह धरती पर रहते थे, एक मिडिल ईस्ट में, एक नेसहर रामला में रहने वाले लोग यहाँ 4 लाख साल से रह रहे हैं, जबकि आधुनिक इंसानों की शुरुआत इस इलाके में 2 लाख साल पहले आए। इन पूर्वजों ने आपस में ज्ञान बांटे, एक दूसरे को हथियार की जानकारी दी। इसका दूसरा समूह जो अफ्रीका में विकसित हो रहा था। इसराइल हर्शकोविट्ज ने कहा कि हम इस अवशेष से डीएनए नहीं निकाल पाए क्योंकि हम एक गर्म देश में रहते हैं, ज्यादा गर्मी में रहने से डीएनए टूट जाते हैं, इसलिए हम कभी भी 15,000 साल पुराने अवशेषों को छोड़कर किसी भी प्राचीन अवशेष का डीएनए जांच नहीं कर पाते। इसराइल की स्टडी से पता चलता है कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया के चौराहे पर मौजूद इसराइल देश में मिले ये नए पूर्वज पूर्व की तरफ गए होंगे, क्योंकि इससे मिलते जुलते नीएंडरथल मानव के जीवाश्म एशिया में भी मिले हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हमें ये नहीं पता कि नेसहर रामला के लोग कैसे मरे, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर मध्य प्लेस्टाइन समूह के इंसानी पूर्वज अफ्रीकन पूर्वजों से हार गए थे। इसके बाद पूरी दुनिया में इंसानों की अफ्रीकी पूर्वज का राज था। ये घटना करीब 70 से 80 हज़ार साल पहले की है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।